हाउ टू बिकम अ लॉयर। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लाइफ में प्रोफेशन कौन सा चुनना है, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। ये हमारे देश के बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं प्रोफेशंस। और अगर इसमें जाना है तो आपको क्या करना होगा, तो सिंस आई एम फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे लॉ में और एक आप लॉयर बन सकते हो। लॉ कॉलेज में पढ़ने के बाद आप लॉयर बन सकते हो। हाय गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी एट द रेट ऑफ विशालोग्राफी। तो आपको 12th के बाद एक एग्जाम देना होता है क्लैट का, और भी बहुत सारे एग्जाम है, पर जो सबसे बढ़िया एक एग्जाम होता है क्लैट, जिसके अंदर आपको बहुत से स्टेट्स के एनएलयू में एडमिशन मिल सकता है। एनएलयू मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एनएलयू 5 ईयर का कोर्स करवाते हैं, एक दो कुछ ऐसे भी एनएलयू हैं जो 3 साल के करवाते हैं। अब ये जो 5 ईयर जो 12th के बाद की जाती है लॉ, उसे 5 ईयर का लॉ कहा जाता है। ये बीबीए, एलएलबी, बीएलएलबी और भी कुछ ऐसे ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी साथ में होते हैं जो कि कॉम्बाइंड 5 ईयर्स लेते हैं। और जो 3 ईयर्स वाला आप करते हो तो उसके अंदर होता है कि आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया 3 साल को, उसके बाद 3 साल का लॉ होता है। तो 3 साल वाले लोग के लिए आपको ग्रेजुएशन होना होता है, आपने ग्रेजुएशन किए होते हैं तब आप लोग का उसका एग्जाम दे सकते हो और तब आप 3 साल वाला लॉ कर सकते हो। अब इसके में आपका 6 साल यूज होता है, और वहीं आप 12th के बाद करते हो तो उसमें आपका 5 ईयर होता है। तो 5 ईयर के अंदर आप सीधे लॉ पे जाते हो, और कुछ बाकी जो सब्जेक्ट्स होता है जो बीए या बीबीए में अगर आप चूज, तो उसके कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं लॉ से, वो आप पढ़ते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग तो बीए एलएलबी अब 12th के बाद बहुत बेटर है, और आपने ग्रेजुएशन किया है तो 3 ईयर वाला बहुत बढ़िया है। तो अगर आप जब इसका एग्जाम देते हो तो उसके बाद आप एक लॉयर बन जाते हो, जब बार ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम जब देते हो उसके बाद आप प्रोफेशनल लॉयर बन सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको मदद की होगी जानने के लिए कि लॉ में कैसे एडमिशन लिया जाता है, लॉयर कैसे बना जाता है। होप यू गाइस एंजॉय दिस। और लॉ के बारे में और भी कुछ चीजें और लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, कॉलेज के ब्लॉग्स, तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।